माय गॉड, मैं आपको दिखाती हूँ क्या वहाँ पे। तो ऑलरेडी बारिश आ रहा था तो हम लोग पूरा बारिश में भीग गए थे। और मैं आज इतना यम्मी सा, इतना टेस्टी सा मैं सब्जी बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये है चिकन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू संजीवा ब्लॉग। आई होप लोग सब बढ़िया है और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक है। सो गाइस, आप लोग का स्वागत है आज के मेरे एक नए ब्लॉग में। सारे काम कर चुकी हूँ, अब मैं बना रही हूँ लंच। सो ये है और मैं आज इतना यम्मी सा, इतना टेस्टी सा मैं सब्जी बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये है चिकन और उसको मैं अच्छा से मैरिनेट करके, लगभग एक घंटा तो मैंने उसको मैरिनेट करके रख दिया है, उसका बाद मैं अब बना रही हूँ। सो आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है। सो आज मैं लंच में ये बना रही हूँ और मैं आज पंकज को ये खिलाऊंगी चिकन। ये चिकन है, चिकन और बनाऊंगी दाल और बनाऊंगी चावल। सो वो मैंने उसको अभी तक नहीं बताया, तो वो ये लंच देख के, ये सब्जी देख के वो खुश हो जाएगा। सो गाइस, हाँ मैं अभी बना रही हूँ और मैं आज इसलिए जल्दी बना रही हूँ क्योंकि अब हो रहा है 10:40, हाँ 10:40 होने वाला है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है थोड़ा बाहर में, तो इसलिए मैं फटाफट बना रही हूँ। और मैंने वैसे सारे काम कर दिया है, जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह खाया था वो सारे बर्तन वगैरह सब कुछ धो दिया है। अभी सब्जी भी बना रही हूँ, लंच बना रही हूँ, तो मैं बस अभी नहा धो के थोड़ा रेडी हो जाऊँगी। सो हाँ गाइस, अभी मैं फटाफट से पहले बनाती हूँ लंच, उसके बाद नहा धो के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, जैसे कि हमने बोला था आपको कि हमें बाहर जाना है थोड़ा देर के लिए, तो अभी हम लोग ने खाना वाना खा लिया है, पूरा लंच खा लिया और नहा धो के रेडी हो गए, और अभी हम जाते हैं बाहर में, थोड़ा कुछ काम है तो उसके लिए, तो फिर ज़्यादा नहीं थोड़ा देर में आ जाएंगे। सो हाँ गाइस, पहले हम जाते हैं कि हम लोग आ चुका है बाहर से, तो हम लोग चले गए थे लेकिन बारिश आने वाला जैसा था, लेकिन जैसे हम आधा रास्ता पहुंच गया वहाँ पे तो ऑलरेडी बारिश आ रहा था, तो हम लोग पूरा बारिश में भीग गए थे। तो मतलब, और उधर में जहाँ में हमें जाना था उधर में हम लोग ऐसे भीगे हुए कपड़ा में रहा, और बैठे बैठे उधर ही सूख गया कपड़ा। अभी भी थोड़ा थोड़ा गिल्ला है ये जीन्स तो, लेकिन टी शर्ट तो उधर ही सूख गया है। तो अभी मतलब थोड़ा रुक गए थे वापस आने का टाइम में, और अभी घर पहुंचा तो फिर से बारिश आना स्टार्ट हो गई, तो आज हमारा दिन ही खराब थे। तो अदरवाइज अभी हम लोग घर में आ चुका है। सो अभी मैं कपड़ा वपड़ा चेंज करती हूँ और थोड़ा चाय वाय पीती हूँ। अभी हम लोग थोड़ा बाहर निकल गया है, थोड़ा सा सामान वामान लेके आते हैं घर का, लेकिन खूब बारिश आए थे उस टाइम भी, बारिश आने के अभी थोड़ा सा रुका है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बाहर निकल गया थोड़ा सामान लेके आने घर का, तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं। वैसे अभी अंधेरा भी हो गया है लेकिन थोड़ा देर के लिए बारिश बनवाई, अभी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा देर में आ जाएगा क्योंकि पूरा काला हो रखा है, सो इसलिए हम लोग फटाफट से अभी लेके आते घर के सामान, और साथ में हम लोग छाता भी लेके चल रहे ताकि बारिश भीगना ना पड़े। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है सेकेंड डे, जो कि मैंने कल ब्लॉग ख़त्म नहीं किया था, तो आज है सेकेंड डे और मैं अभी उठ चुकी हूँ और मैं इस वक्त मैं ब्रेकफास्ट खा रही हूँ, और मैं ब्रेकफास्ट में क्या खा रहा हूँ, ये पोहा है। तो मैं पोहा खा के बोर हो गई हूँ, लेकिन मैं पोहा में से जो ये मूँगफली है ना, पीनट्स, सो मैं ये इस तरह से चुन चुन के खा रही हूँ, इस तरह से देखो। पोहा हम लोग कई टाइम से कंटिन्यू खा रहे हैं, पंकज को पसंद है, उसको जब एक चीज़ पसंद आता है ना तो वो कंटिन्यू खाता है। यार बीच में उसको मैगी बहुत पसंद था, तो वो बहुत मैगी खाते थे रोज़ रोज़, मुझे मैगी बना दो, मुझे मैगी बना दो, तो मैं उसके लिए रोज़ मैगी बना देते, तो मुझे मैगी भी, मैं बोर हो गई हूँ खा खा के। और अभी कई दिनों से फिर हम लोग पोहा खा रहे थे, तो कंटिन्यू इसको अभी भी वो पसंद है, तो मुझे पोहा बना दो, पोहा बना दो, सोच सोच मैं उसको पोहा बनाती हूँ, पर मैं अभी पोहा से भी मैं बोर हो गई हूँ, अभी मन नहीं है तो। लेकिन पीनट्स जो है वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वही चुन चुन के खा रही हूँ। अब मैं इसको सारे नहीं खा सकती, ये अभी हम नहीं खा सकते, लेकिन जो ये पीनट्स बचा हुआ है ना, ये थोड़ा थोड़ा मैं इसको सारे धुन धुन के खा रही हूँ। और इधर ये चाय है। सो हाँ गाइस, मैं अभी खा लेती हूँ पहले फटाफट से ब्रेकफास्ट, वैसे तो हो गया है, मैं इसको खेल खेल के खा रही हूँ, मतलब मन नहीं है ना खाने का, इसलिए तो मैं ये पूरा जो पीनट्स है इसको सारे ख़त्म कर देती हूँ चुन चुन के, उसके बाद ये रख देती हूँ। तो मैं अभी नहा वहा के लंच बनाने लगी हूँ, पूरा काम वाम ख़त्म हो गया मेरा, मैंने वहाँ का ये डोरमेट भी धोने के लिए रख दिया है, और अभी मैं बना रही हूँ लंच,
और लंच में मैंने अभी सिंपल सा सब्जी बना रही हूँ। मैं कुकर में बना रही हूँ सब्जी, आलू का सब्जी। तो फिर बाद में जब इसको दो सीटी लगाने के बाद फिर मैं इसमें ढालूंगी टमाटर और मटर, तो सिंपल सा है। फिर राइस है, तो मैं अभी आज मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल, तो मैं इसका बनाऊंगी। तो ये खजूर कल मंगवाए थे, तो मैं इसका केक बनाने वाली हूँ कि मैंने उस दिन बनाए थे एक केक, सिंपल सा केक बनाए थे, तो मैं आज उसको शॉर्ट वीडियो में ढालूंगी, आप लोग देख सकते हैं। और पंकज बोल रहे फिर से कि मुझे केक खाने का मन है, तो मैं आज इसका केक बना रही हूँ। तो देखते हैं कैसा होता है। इसको थोड़ा देर पहले भिगो के रखना पड़ेगा वो मिल्क के साथ, तो मैं इसको थोड़ा सा अभी भिगो के रखूंगी थोड़ा देर के लिए, लगभग ऐसा 30 मिनट के लिए मैं। और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है, ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। बट दूसरा केक जो नॉर्मल केक तो मैं वो बनाते रहती हूँ बीच बीच में, हम लोग चाय के साथ ऐसे खाने के लिए घर में बना के खाते, तो घर का सबसे बेस्ट रहता है। तो थोड़ा जो मुझे आता है बस वही मैं बनाती हूँ। तो हाँ, आज मैं इसका ट्राई करूँगी। मैंने ना अभी जो ये खजूर है उसको मैंने मिल्क में भिगो के रख दिया है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने भिगो के रख दिया है। इसको मैंने पूरा इसका जो मतलब बीज है उसको निकाल दिया है। आप ये थोड़ा देर तक मतलब वो इसको आधा घंटा में भिगो देंगे, तो फिर उसके बाद ग्राइंड करेंगे इसको। अभी हम इस तरह से ढक कर रखेंगे। मैंने खाना खा लिया है, जैसे कि मैंने खाना खाने से पहले इसको भिगाया था, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से हो गया है। तो मतलब ये थोड़ा सा गल गया है, अभी ग्राइंड करेंगे तो ये पूरा मिक्स हो जाएगा। तो अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो मैंने लगभग इसको रखा था आधा घंटा जितना, तो अभी हो गया, इसको ग्राइंड करते हैं। तो मैंने अपना जो केक है उसके लिए पूरा रेडी कर दिया है, आप देख सकते हैं। अभी इसको मैंने इस तरह से जुगाड़ लगाया क्योंकि इसमें इसका पकड़ने वाला भी नहीं है, टूट गया है। और इसको इस तरह से वो जो छेदा है उसको बंद करना पड़ता है, जो होल थे, तो इसको भी मैंने इस तरह से टिश्यू पेपर से अंदर में मैंने नमक डाला है। तो अभी हम मैं इसको इसके अंदर रख दूँगी। तो मैंने लगभग 15 मिनट से इसको गर्म करके रखा है, थोड़ा सा ये गर्म हो गया, तो अभी इसको अंदर डाल देती हूँ। वैसे मैंने पूरा इसका जो मतलब मैंने इसको बनाया जो क्या बोलता है इसका रेसिपी मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है, तो आप शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। ऐसे अभी तो मैं इस वीडियो में शॉर्टकट ऐसे मैंने अभी आपको दिखाया है, बट इसका पूरा फुल रेसिपी शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं हमारा केक कैसा हुआ है, केक के बन रहा कि नहीं बन रहा है। ओ माय गॉड, मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ, ये तो बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत ही सही बन रहा है। अब टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, लेकिन बन बहुत सही रहा है, आप देख सकते हैं। वाओ, कितना सही से फूला है। अब इसका टेस्ट तो खाने के बाद ही पता चलेगा, फिर मैं खाने के बाद बताऊंगी आपको इसका टेस्ट कैसा हुआ है, लेकिन बन सही रहा है, एकदम मज़ेदार। मैंने जो केक बनाई थी वो बन के तैयार हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको खा के दिखाती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। ऐसे मुझे लगता है ये थोड़ा सा इसमें ना मिल्क ज़्यादा हो गई है, तो ये थोड़ा सा लाइक इस तरह से हो गई है, थोड़ा ड्राई होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी चलता है, फर्स्ट टाइम बनाया है। सो गाइस, इसका टेस्ट ना इतना टेस्टी है, इतना मतलब वाओ, ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब गिल्ला हो गया है, मतलब ये थोड़ा सा और थोड़ा ड्राई होने से अच्छा होना था। मुझे लगता है मिल्क ज़्यादा हो गया है, मैंने ज़्यादा मिल्क डाल दिया है, बट इसका टेस्ट इतना अच्छा है। और मैंने इसको इसमें शुगर नहीं डाला, ये एक अच्छी बात यह है कि मैंने इसमें चीनी नहीं डाला, ये विदाउट शुगर है। सो हेल्दी केक, तो ये जो आपका खजूर से बना है विदाउट शुगर और इतना टेस्ट है, मज़ा आ गया। ऊपर से थोड़ा सा अगर ड्राई फ्रूट डालने मिलने से अच्छा होना था, पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, जस्ट मैंने
बना रहा है, क्योंकि पंकज उतना बाहर का चीज़ नहीं खाता है और उसको थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा बहुत मीठा चाहिए होता है खाना वाना खाने के बाद, जैसे कि वो खाना खाने के बाद वो मीठा मांगता है कि मतलब कुछ मीठा है क्या, वो ढूंढता है। तो इसलिए मैंने घर में कुछ बना के उसके लिए रखती हूँ, तो ये मैंने उसके लिए रखा है। तो लेकिन अमेजिंग, बहुत मुझे खुद ही अच्छा लग रहा है इसका टेस्ट, क्योंकि मैं पहली बार बनाया है। बस ये थोड़ा सा कमी हो गई कि मतलब ये थोड़ा सा ड्राई होते तो अच्छे होते, क्योंकि थोड़ा सा गिल्ला हो गए ज़्यादा। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी, बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट अच्छा है। मैं सिर्फ मैं खुद ही खा के नहीं बोल रही हूँ, जब पंकज आएगा तो उसको भी टेस्ट करवाऊँगी आप लोगों के सामने में इसका टेस्ट कैसा है। देखो मैं आप लोग के सामने एक पूरा केक, एक बाइट पूरा मैंने ख़त्म कर दिया है। खा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? नॉट टेस्टी है। सही है, बहुत बढ़िया। एक्सपेक्ट किया था इतना अच्छा है, सिर्फ खजूर है दूध। हाँ, ना देखो बहुत हेल्दी है, शुगर नहीं है इसमें। हाँ, शुगर नहीं डाला। मैंने मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगा था ये मतलब थोड़ा गीला हो गया, मतलब थोड़ा ये ठीक है, मुझे सूखा पसंद नहीं है, बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा है। तो मुझे लगा कि वो ज़्यादा हो गया, लेकिन इसको पसंद आ गया, मतलब ये परफेक्ट है, मतलब विदाउट शुगर इतना टेस्ट बनाए। सही है, मस्त है। चलो खाइए आप। थोड़ा सा मैं खुद पे डाउट था, लेकिन मैंने इनसे पूछा कि अभी ये बोला कि एकदम परफेक्ट। खाइए ना, खाइए, आपके लिए तो बनाया तो क्या हुआ? मैं फिर बना दूंगी, और क्या हुआ, आप खा लीजिए। अच्छा है, विदाउट चीनी अच्छा है, हेल्दी तो है। आपका फोन आ गई। सो चलो गाइस, मैंने आपको पूछ के बता दिया कि इसको कैसा पसंद आया कि नहीं आया, लेकिन इसको तो मेरे से भी ज़्यादा पसंद आ गई, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो गई ये केक बनाने में। सो गाइस, आज की इस वीडियो को मैं इतना मेहनत करती हूँ। आई होप आज की मेरी वीडियो को आप लोग को पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।